आजकल जो भी आप चार्जिंग आईसी देखोगे तो उनमें आपको अगर व्हील सेक्शन में आपका एन चैनल का मॉस्फेट लगा हुआ है तो उसको ड्राइव करने के लिए चार्जिंग आईसी से एक एसी ड्राइव करके एक वोल्टेज का सिग्नल जाता है जो एक 4 किलो ओम का रेजिस्टर लगा होता है उससे पास होकर सीधे वो गेट को ट्रिगर करता है। तो व्हील सेक्शन को समझने के लिए हम स्टार्टिंग से इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे देखते हैं हमारा ये क्या है, ये डीसी जैक है। डीसी जैक पे हम क्या करते हैं, कितना वोल्टेज देते हैं, यहाँ पे हम 19 वोल्ट का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। तो हमने यहाँ पे 19 वोल्ट दिया और 19 वोल्ट इस क्वाइल को पास करता हुआ कहाँ जाएगा, हमारा एक मॉस्फेट पे जाएगा। और इस मॉस्फेट को अगर हम देखते हैं तो ये मॉस्फेट हमारा कैसा है, इसका डायरेक्शन देखो, ये सोर्स से लेके ड्रेन की तरफ को, तो डायोड की पोजीशन जो है वो सोर्स से ड्रेन की तरफ है। तो हम समझते हैं कि हमारा क्या ये एन चैनल का हमारा ये मॉस्फेट है। और पोजीशन यानी कि डायरेक्शन की फिर से हम बात करें तो इसका जो डायरेक्शन है वो हमारे अडेप्टर की तरफ है, तो अडेप्टर की तरफ है यानी कि कहीं ना कहीं ये हमारा एसी फैट है ना। तो ये एसी फैट है और एन चैनल का मॉस्फेट है, तो जाहिर सी बात है इसके गेट पे हमें जो हमने 19 वोल्ट इसके ड्रेन पे इनपुट किया है तो उससे 5 से 6 वोल्ट हमें ज्यादा देने पड़ेंगे इसके गेट पे। तो वो गेट पे वोल्टेज कहाँ से आएंगे, तो उसके लिए दो लॉजिक है। प्रीवियस क्लास में हमने देखा कि या तो वो कोई ड्राइवर आईसी से आते हैं, जैसे एचपी का R23 यानी एचपी की जो सीरीज होती है R सीरीज, उसमें यही देखा गया है कि ड्राइवर आईसी अलग होती है ना। तो यहाँ पे क्या है कि ऐसा नहीं, जो फोर्थ जनरेशन के ऊपर के जितने भी आपको मदरबोर्ड मिलेंगे 6, 7, 8 जनरेशन या ऑनवर्ड्स, तो आपको वहां पे ये कॉन्सेप्ट मिलेगा कि वहां पे जो आपका 25 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो वोल्टेज आपका जनरेट करती है आपकी चार्जिंग आईसी विद द हेल्प ऑफ एसी ड्राइव कॉन्सेप्ट। तो एसी ड्राइव कॉन्सेप्ट कैसे काम करेगा उन सारी चीजों को हम अभी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डीसी जैक पे 19 वोल्ट दिया, वो इस क्वाइल को पास करता हुआ इसके ड्रेन पे आया, इसके ड्रेन पे 19 वोल्ट पास होके आया तो हमें इसको स्विच करा के इधर भेजना है। वो स्विच वोल्टेज तभी होगा जब इसके मॉस्फेट के गेट को वोल्टेज मिलेंगे। 25 वोल्ट का कॉन्सेप्ट हम लेके चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे चार्जिंग आईसी इसको बनाने वाली है जिसको हम एसी ड्राइव कहेंगे। कैसे बनेगा देखते हैं। तो चार्जिंग आईसी को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कई सारी चार्जिंग आईसी पे हम स्टडी कर चुके हैं, तो यहाँ पे ये जो थोड़ा सा अलग है तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये आप कई सारी इन पे पिंस दिख रहे हैं, यहाँ पे है ना, कई सारी पिंस दिख रही है। तो हम अपना बेसिक जो हम लेके चलते हैं उसी से स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक हमारा क्या होता है कि सबसे पहले हमें आईसी का जो बीसीसी यानी कह सकते हैं विन वोल्टेज आईसी पे जो आता है वो देख। तो यहाँ पे जो बिन वोल्टेज है उसका नाम यहाँ पे हमें डीसी इन दिख रहा है, क्या है डीसी इन। तो डीसी इन का जो वोल्टेज है वो यहाँ पे देखते हैं तो ये 19 वोल्ट यहाँ पे आएगा, कहाँ से आएगा, एक 10 ओम का रेजिस्टर लगा होगा और ये सीधे यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ, ये ड्यूल डायोड है, इसको कहते हैं कॉमन कैथोड डायोड। तो ये ड्यूल डायोड है और यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे सीधा जो वोल्टेज है मॉस्फेट से पहले डायोड पे आएगा और डायोड को क्रॉस करता हुआ मॉस्फेट से वोल्टेज कहाँ आएगा, डीसी वाली पिन पे आ गया, यानी कि यहाँ पे 19 वोल्ट आना चाहिए। पहले रिक्वायरमेंट्स ये होगी। कई बार क्या होता है जब अडेप्टर नहीं लगा होता है तो वहां पे बैटरी का वोल्टेज आ रहा होता है, यानी कि मेरी चार्जिंग आईसी को दोनों कंडीशन में इनपुट वोल्टेज मिलेगा। अडेप्टर लगा है 19 वोल्ट मिलेगा, बैटरी लगा है तो बैटरी का वोल्टेज जो भी हो आपका 12 वोल्ट 13 वोल्ट जो भी हो वो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो पहले आपको ये चेक कर लेना। दूसरा, बार बार मैं बोलता हूँ ग्राउंड को जरूर चेक करो किस कंडीशन में, अगर ग्राउंड किसी कंपोनेंट के थ्रू कनेक्टेड है, कई बार क्वाइल से कनेक्टेड होता है, बीच में क्वाइल लगी होती है, 0 ओम का रेजिस्टर लगा होता है, उस कंडीशन में अगर वो कंपोनेंट हमारा ओपन हो गया तो फिर ग्राउंड प्रॉपर नहीं मिलेगा। ग्राउंड प्रॉपर नहीं मिलेगा, आईसी बेकअप ही नहीं होगी, है ना, क्योंकि उसका सर्किट पूरा नहीं होगा। तो दूसरा, आपने ग्राउंड कर लिया, चेक कर लिया ग्राउंड आपने, उसके बाद में आपको क्या करना है, फिर हमारा अडेप्टर का डिटेक्शन होता है। अडेप्टर की डिटेक्शन के लिए आपको यहाँ पे ACDET यानी कि अडेप्टर करंट डिटेक्शन या फिर एसी इन अडेप्टर करंट इन, है ना। तो अडेप्टर करंट इन के लिए आप देखते हो कि इस वाली पिन से आपका क्या कनेक्टेड होता है। हम यहाँ पे फिर से पीछे आते हैं तो यहाँ पे हमें एक वोल्टेज डिवाइडर दिख रहा है ना, ये इसका R1 रजिस्टर होगा और ये R2 होगा और ये R2 क्या है, ग्राउंड है, और R1 क्या है, सीधे हमारा सप्लाई से 19 वोल्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो वोल्टेज बनेगा, तो हमने आपको बता दिया है कि एसी डिटेक्ट पे हमारा कितना वोल्टेज आना चाहिए। अभी हम डेटा शीट में जाएंगे तो वहां पे भी आपको दिखाएंगे कि इसकी जो नॉर्मल मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है वो कितनी होती है। तो यहाँ पे हमें चाहिए होता है 2.4 वोल्ट से ज्यादा, 2.5 या 2.3
6 वोल्ट हमें यहाँ पे चाहिए होता है। ठीक है, तो थर्ड नंबर पे हम इसको चेक कर लेंगे। उसके बाद में एक काम और हम कर सकते हैं, एसी डिटेक्ट से पहले चाहे तो हम इसका रीजन यानी कि एलडीओ को चेक कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही इसको इनपुट वोल्टेज मिल जाता है, ग्राउंड मिल जाता है, तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे एलडीओ इनेबल होता है। अब ये एलडीओ यहाँ पे सेल्फ इनेबल होता है, ये स्टेप डाउन में जैसा हमने देखा है कि एलडीओ इनेबल करने के लिए आप किसी दूसरे आईसी से या फिर किसी सेल्फ इनेबल से उसको दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या आता है कि सेल्फ इनेबल ही होता है। तो एलडीओ यहाँ पे 5 वोल्ट या 6 वोल्ट बनता है। ये एलडीओ जो होता है इस चार्जिंग आईसी के अंदर क्या होता है कि इसका जो इंटरनल सर्किट होता है, इंटरनल जो इसका सर्किट होता है उसको ये क्या करता है, पावर जनरेट करता है, उसके लिए पावर का काम करता है। तो जब ये एलडीओ बन जाता है, तो एलडीओ बना है या नहीं बना है इसकी कंफर्मेशन भी चाहिए। तो कंफर्मेशन के लिए क्या होता है कि यहाँ पर देखते हैं रेफरेंस, जरूरी नहीं कि आपको मिले, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये ऑप्शनल होता है। रेफरेंस पे आपका 2 से 4 वोल्ट के आसपास, 3 वोल्ट कभी कभी मिलता है आपको, मिलता है यहाँ पे वोल्टेज। ठीक है, तो आप यहाँ पे चेक करके ये आइडिया लगा सकते हो कि आपका जो इंटरनल सर्किट है उसको पावर मिल चुका है, एलडीओ का पावर उसको मिल चुका है। ठीक है, तो इसको भी चेक कर सकते हो। इसके बाद आप एसी डिटेक्ट देख लो, एसी डिटेक्ट पे आपको कितना करना है चेक, 2.4 वोल्ट से ज्यादा है ना, 2.6 2.5 कुछ भी हो आप चेक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये नॉर्मल चीजें थी। उसके बाद में जब ये सारा काम मेरा ओके हो जाता है, इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स को हम टेस्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद में देखो यहाँ पे हम आते हैं और यहीं पे हम एक चीज देखते हैं कि यहाँ पे एक CMSRC मुझे दिख रहा है, क्योंकि हमें तो एसी ड्राइव का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ना, तो CMSRC यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो CMSRC क्या होता है, इस पे अपना इंटरनली 6 वोल्ट होता है। कितना होता है, 6 वोल्ट। वो कहां से आता है, वो ये LDO का ही वोल्टेज होता है। तो LDO यहां पे 6 वोल्ट का जो LDO होता है, वो वोल्टेज ऑलरेडी किसको मिल चुका होता है, CMSRC की पिन पे वो वोल्टेज प्रेजेंट होता है। अब यहां पे देखो क्या होता है, हम पीछे आते हैं थोड़ा सा, तो यहां पे देखते हैं कि CMSRC या फिर हमारा AC ड्राइव है, दोनों पे हमें 4 किलो ओम या फिर 4.7 किलो ओम का एक रेजिस्टर लगा हुआ मिलेगा। तो जैसे यहां पे ये जो 6 वोल्ट होता है, ये इसको पास कर देता है ये एसी ड्राइव को, CMSRC किसको दे देता है, एसी ड्राइव को। अब एसी ड्राइव को जैसे ये वोल्टेज मिला, कितना वोल्टेज मिलेगा यहाँ पे देख लेते हैं, 6 वोल्ट। तो 6 वोल्ट इस MOSFET के भी गेट पे जाएगा जो हमारा फर्स्ट MOSFET है, जो एसी फैट है, और सेकंड वाले MOSFET के गेट पे भी यही वोल्टेज जाएगा, 6 वोल्ट जाएगा। ठीक है, तो वो मेरा RV फैट है। अब 6 वोल्ट इसको मिलेगा, इसको भी 6 वोल्ट मिलेगा। जब इसको 6 वोल्ट मिलेगा तो ये कितना पास करेगा, 3 वोल्ट वोल्ट करेगा ना, कि शिफ्टिंग वोल्टेज कितना होता है, 3 वोल्ट होता है। तो 3 वोल्ट अगर आप इसको दोगे गेट पे, तो ये कितना वोल्टेज यहां पे पास करेगा, 6 वोल्ट अगर आप दोगे गेट पे, तो 3 वोल्ट ही तो पास करेगा ना, तो यहां पे 3 वोल्ट आएगा। वो 3 वोल्ट क्या होगा, वो फिर से आ जाएगा नीचे, और वो CMSRC के पास आएगा, और CMSRC पे ऑलरेडी 6 वोल्ट था, 3 + 6 क्या हो जाएगा, 9 वोल्ट। अभी 9 वोल्ट क्या करेगा, एक साइकिल के तौर पे इसको दे देगा फिर से एसी ड्राइव को। अब 9 वोल्ट जो होगा वो इनके दोनों के गेट पे ट्रेवल कर जाएगा, 9 वोल्ट जैसे इसकी गेट पे जाएगा, अब यहाँ पे तो पहले से ही 19 वोल्ट था, तो 9 वोल्ट इसके गेट पे मिला, तो ये कितना पास कर देगा, 6 वोल्ट। 6 वोल्ट आपका मिलेगा, वो 6 वोल्ट फिर से क्या होगा, CMSRC पे आ जाएगा, CMSRC पे ऑलरेडी 6 वोल्ट है, वो क्या करेगा, 6 और 6 कितना होगा, 12 वोल्ट। 12 वोल्ट किसे दे देगा, एसी ड्राइव को, और वो 12 वोल्ट कहां जाएगा, फिर से इनके दोनों के गेट पे चला जाएगा। ठीक है, जब 12 वोल्ट इसके गेट पे आएगा, कितना वोल्ट पास कर देगा, यहां तो 19 था, फिर से आ जाएगा यहां पे, कितना वोल्ट आएगा, 9 वोल्ट। 9 वोल्ट CMSRC पे फिर से आ जाएगा, ऑलरेडी 6 वोल्ट है, 6 और 6 क्या हो गया, 15 वोल्ट, 9 और 6 15 हो गया, 15 वोल्ट आएगा इसके गेट पे, फिर से चला जाएगा, 15 वोल्ट यहां आ गया, कितना वोल्ट था, 19 था, कितना पास हो जाएगा, 3 वोल्ट लॉस कर लो, इतना तो कंजक्शन कर लेता है ना, कंज्यूम कर लेता है डायोड, तो कितना आएगा, 12 वोल्ट आएगा। अब 12 वोल्ट फिर से किस पे आएगा, CMSRC पे आएगा, 12 भी है 6 ही है, 18 हो गया, 18 आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब 18 आएगा तो कितना पास हो जाएगा, 3 वोल्ट कम कर लो ना, तो 15 वोल्ट आएगा, 15 वोल्ट फिर से CMSRC पे आएगा, 6 वोल्ट ऑलरेडी है, 21 हो गया, 20 वोल्ट एसी ड्राइव पे दे दिया, एसी ड्राइव ने क्या किया, गेट को ड्राइव कर दिया, 21 वोल्ट आ गया, यहाँ 19 था, कितना पास हो जाएगा, 21 था, 18 पास हो जाएगा ना नॉर्मली। तो जब 18 यहाँ पे पास हो गया,
अब वो 18 वोल्ट फिर से यहाँ आएगा, 18 ये था, 6 ये हो गया, कितना हो गया 24 हो गया, एसी ड्राइव पे कितना आया 24 वोल्ट यहाँ पे आएगा, पास हो जाएगा। अब जब 24 वोल्ट मिल गया यहाँ पे 19 वोल्ट था, तो पूरा गेट खुल गया, यानी कि अब तो सैचुरेशन मोड पे आ गया ना हमारा MOSFET, तो ये पूरा का पूरा यहाँ से क्या करेगा 19 वोल्ट शिफ्ट कर देगा। वो 19 वोल्ट यहाँ आया है तो इधर से भी पास हो जाएगा, क्योंकि इसके भी गेट पे तो वही वोल्टेज आएंगे ना, तो ये भी एन चैनल का है। तो यहाँ पे हमें कितने वोल्टेज मिलते हैं 19 वोल्ट, यानी जो हमने एडाप्टर का वोल्टेज यहाँ पे दिया था वही हमें CLR पे मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए 19 वोल्ट। ओके, तो यहाँ पे 19 वोल्ट हमें मिल जाएगा। उसके बाद में हम क्या देखते हैं कि हम देखते हैं इसका ACOK, ACOK जो होता है चार्जिंग IC का, वो किसी पुलअप से दिया गया होता है। 100 किलो ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है और यहाँ पे पुलअप लगा हुआ है 3 वोल्ट का, हो सकता है ये LDO का पुलअप हो, सकता है ये स्टेप डाउन के LDO का पुलअप हो, यानी कहीं ना कहीं से पुलअप वोल्टेज होता है। ACOK का पाथ हाई रहता है और ये पुलअप वोल्टेज इसी के सहारे हमारे IO चिप पे जाता है और IO चिप को इन्फॉर्मेशन देता है कि चार्जिंग IC ने अपना काम कर दिया। यानी एक तरह से कह सकते हैं जो ACOK है वो क्या है, अडप्टर करंट ओके की इन्फॉर्मेशन है। इसको कह सकते हैं कि चार्जिंग IC का ये पावर गुड है, ठीक है, वो IO पे आना चाहिए। जब IO की हम रिक्वायरमेंट चेक करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ACOK भी इसमें एक बहुत मेन रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा चार्जिंग IC ACOK कैसे जनरेट करता है, CMSRC के हेल्प से कैसे AC ड्राइव बनता है, जो 24 या 25 वोल्ट हमारे जो फर्स्ट MOSFET यहाँ पे और सेकंड MOSFET जो भी होते हैं उनके गेट पे जाता है। अब यहाँ पे तो दोनों ही एन चैनल का कॉन्सेप्ट है, कॉम्पल का बोर्ड है, मैंने बताया था कि कॉम्पल के बोर्ड में क्या होता है, अधिकतर मुझे 90% तो एन चैनल का कॉन्सेप्ट मिलता है। डिस्टॉर्ट होता तो PP चैनल का कॉन्सेप्ट मिलता, अगर यहाँ पे क्वांटा होता तो एक टी का और एक एन का कॉन्सेप्ट मिलता। किसी किसी बोर्ड में ये भी होता है कि RV FET की जगह डायोड लगा हो, वो तो आपको प्रीवियस क्लास में सब पढ़ा दिया गया है ना, आप आसानी से देख सकते हो भाई कौन सा MOSFET लगा हुआ है तो उसके ड्राइव के लिए क्या वोल्टेज चाहिए। पी चैनल का होता तो वही आप वोल्टेज डिवाइडर को आपको देखने को मिलता कि वोल्टेज डिवाइडर है उसी के आप पे आप चेक कर लेते कि आपका कितना वोल्टेज बनेगा, वोल्टेज डिवाइडर भी आपको पढ़ा दिया गया है ना। उसके बाद में देखते हैं कि फिर चार्जिंग का प्रोसेस शुरू होता है। चार्जिंग का प्रोसेस कब शुरू होता है, तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। जो हमारी बैटरी होती है उस पे जो हमारा SCL यानी कि सीरियल क्लॉक और सीरियल डेटा की जो पिन होती है या फिर टेम्परेचर की पिन होती है जिसको हम बैटरी डिटेक्शन की पिन भी बोलते हैं, उसको भी पुलअप दिया जाता है 3 वोल्ट का। तीनों पिनों पे आप पावर कनेक्टर की इन तीनों पिनों पे अगर आप चेक करोगे ना तो आपको 3.3 वोल्ट मिलेगा, SDL पे भी 3.3 वोल्ट, SCL पे भी 3.3 वोल्ट और टेम्परेचर की जो इनमें से एक पिन होगी उस पे भी 3.3 वोल्ट। तो जैसे ही आप बैटरी को यहाँ पे लगाएंगे जो टेम्परेचर वाली बैटरी डिटेक्शन की पिन होगी उसको क्या होगा वोल्टेज लो हो जाएगा। अब लो होने का मतलब ये नहीं कि हर बार जीरो ही हो जाए, है ना, 3.3 वोल्ट से कम हो के 2.5 2.1 कुछ भी हो जाएगा, फिलहाल यहाँ पे वेरिएशन होगा। वो वेरिएशन जो होगा वो सीधा कहाँ जाएगा, हमारे IO चिप को जाएगा, क्योंकि जितना भी SCL SDA या फिर हमारा टेम्परेचर वो IO से सीधे कनेक्टेड है और SDSCL IO के साथ साथ हमारी चार्जिंग IC से भी कनेक्टेड है। तो जैसी डिटेक्शन इसको पता चलेगा ये बैटरी के SCL और SDA का डेटा को रीड करेगी, बैटरी कितने परसेंट चार्ज है, उसको चार्जिंग चाहिए है ना, तो उसी हिसाब से क्या करेगी उसी पाथ पे ये इंफॉर्मेशन किसको दे देगी, चार्जिंग IC को दे देगी। और चार्जिंग IC को अपने ड्राइवर इनेबल करना है चार्जिंग के लिए या उसको अभी ऑफ रखना है, वो इंफॉर्मेशन IO से आने के बाद ही चार्जिंग IC काम को शुरू करेगी। लेकिन हाँ, चार्जिंग IC जब ACOK जनरेट कर देगी तो IO को ये कंफर्म हो जाएगा कि वैलिड अडप्टर लगा है, अडप्टर का करंट यानी कि सब कुछ ओके है, चार्जिंग IC ने AC ड्राइव बना दिया है, बिन वोल्टेज यानी कि जो आपका कॉमन पॉइंट जो CLR है आपका पावर SRC या DC बैट आउट बोले हम तो उस पे आपका वोल्टेज आ चुका है, आगे का काम करने के लिए रेडी। तो बैटरी कैसे चार्ज होगी तो उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दो MOSFET लगे हुए हैं, है ना, ये फर्स्ट MOSFET, ये सेकंड MOSFET, इसको हम मेन MOSFET कहते हैं, इसको हम सपोर्टिंग MOSFET कहते हैं। कॉन्सेप्ट यही हम पढ़ते आए हैं कि जो 19 वोल्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो CLR से होता है। वो 19 वोल्ट CLR से कहाँ कहाँ जाता है, जहां जहां भी जरूरत होती है 19 वोल्ट की डायरेक्ट, जैसे भी रेगुलेटर्स है IC जिन पे भी जरूरत होती है तो वहां पे यहीं से ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो रेगुलेटर हमारा लगा हुआ है उसका फर्स्ट MOSFET जो है मेन MOSFET इसको कहेंगे, यहाँ पे आपको एन चैनल के ही MOSFET मिलेगी ये आप, ठीक है, यहाँ पे कभी आपको पी चैनल का MOSFET नहीं मिलेगा, ठीक
ठीक है, तो इसके ड्रेन पे आपका 19 वोल्ट आएगा, अगर बैटरी से आ रहा है तो फिर कितना आएगा, 12 वोल्ट आएगा। तो जब बैटरी से वोल्टेज आएगा तो उस कंडीशन में तो चार्जिंग होने की सवाल ही नहीं पैदा होता ना, क्योंकि बैटरी पे आप काम कर रहे हो तो बैटरी चार्ज भी थोड़ी होगी, खुद से चार्जिंग नहीं लेगी ना। तो यहाँ पे 19 वोल्ट आएगा या फिर 12 वोल्ट आएगा, दो ही कॉन्सेप्ट है, अडैप्टर लगाया तो 19 वोल्ट, बैटरी लगी तो 12 वोल्ट। अब 19 वोल्ट इसको मिला, ठीक है 19 वोल्ट इसको मिल गया। अब यहाँ पे देखो, इसका सोर्स जो है वो सपोर्टिंग मॉस्फेट के ड्रेन से अटैच है और इसका सोर्स जो है वो ग्राउंड है। यहां से क्या होता है, इसके अंदर एक ड्राइवर होता है, एक ड्राइवर होता है और एक बीएसटी का यहाँ पे पिन होता है। यहाँ पे बनाया नहीं है क्योंकि ये ओवरव्यू है तो इसमें पूरा नहीं देखेंगे। तो यहाँ से इसके फेस से कनेक्टेड होता है एक डायोड और एक कैपेसिटर के यहाँ, मतलब की सहायता से यहाँ पे कनेक्टेड होता है। तो वो वोल्टेज जब यहाँ पे आएगा, है ना, कुछ सेटिंग्स की भी पिन होती है, फ्रीक्वेंसी सेटिंग्स की, जैसे कुछ पिने हैं वो हम देखेंगे अभी आगे। तो उसी के भी यहाँ पे क्या होता है कि इसके जो ड्राइवर होता है वो इनेबल होता है। इनेबल होने के बाद में क्या होता है, यहाँ पे बैटरी के वोल्टेज से 1 से 1.5 वोल्ट ज्यादा दे दिया जाता है, बैटरी हमारा चार्ज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, बैटरी हमारा चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो बैटरी चार्ज हो रहा है नहीं हो रहा है तो आप कहाँ चेक कर सकते हो, आप CLR पे चेक कर लो, आप देख लो। अगर आपकी बैटरी 12 वोल्ट की तो 1 वोल्ट बढ़ा के मान लो, अगर बैटरी का ही वोल्टेज आ रहा है तो फिर आपका ड्राइवर इनेबल नहीं हुआ। ड्राइवर इनेबल नहीं हुआ तो आप यहाँ पे जो बीएसटी पे जो कैपेसिटर यहाँ पे एक लगा होता है उस पे आप चेक करो, बैटरी लगा के चेक करना है आपको। बैटरी नहीं लगी होगी तो डिटेक्शन नहीं होगा, तो चार्जिंग तो होने वाली नहीं है ना। तो आप कैसे पता लगाओगे कि यहाँ पे जो हमारा ड्राइवर है वो इनेबल हुआ भी नहीं हुआ है चार्जिंग के लिए। तो बीएसटी के कैपेसिटर पे आपको 17 वोल्ट मिलेंगे, कितने मिलेंगे 17 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पे इसलिए मिलेंगे कि बीएसटी का वोल्टेज आएगा इसी पे और प्लस आपकी बैटरी का वोल्टेज। अगर ड्राइवर ने बैटरी को ड्राइव करना शुरू कर दिया, दोनों वोल्टेज प्लस कर लो, 12 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट 17 वोल्ट। 17 वोल्ट अगर यहाँ पे नहीं आए तो फिर आप अपनी आईसी को रिप्लेस करके देखो, आईसी की और रिक्वायरमेंट्स होती है, सेटिंग्स की रिक्वायरमेंट्स होती है, फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट्स होती है, करंट की रिक्वायरमेंट्स होती है, या फिर आपके जो CLR होता है, CLR की कनेक्टिविटी मैंने यहाँ पे नहीं बनाई है, AC एंड ACP की भी कनेक्टिविटी जब होती है तो यहाँ पे रेजिस्टर्स लगे होते हैं, एक कैपेसिटर लगा होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको आप चेंज करके देख लो, है ना। ये तो चेंज कर ही लिया आपने, IO को प्रोग्राम कर लो, चेंज करो प्रोग्राम करके देख लो अगर प्रोग्रामेबल है। इसी BIOS अगर अलग है तो इसी BIOS प्रोग्राम करके देख लो, मेन BIOS को भी कर लो। आती है प्रॉब्लम, वैसे इतनी नहीं आती लेकिन कभी कभी आती है, ठीक है, फिर भी बैटरी चार्ज नहीं हो रही आपकी, ये दोनों MOSFET है इनको चेंज करके देख लो। कोई MOSFET ऐसा तो नहीं है जो RF फैड है वो शॉर्ट तो नहीं, 19 वोल्ट को पास करा देगा शॉर्ट होगा। तो ये सारी चीजें होती है, फीडबैक भी चेक कर लेते हैं बैटरी SRC, है ना, इसका फीडबैक भी देख लेते हैं, इसके गेट में भी फ्रीक्वेंसी जो जनरेट हो रही है क्या वैलिड है ना, उसको चेक करने के लिए फिर आपके पास DSO है, मल्टीमीटर से आप इतना ही चेक कर सकते हो कि यहाँ पे आपको कितना वोल्टेज मिलेगा। अगर आप चेक करोगे तो आपको 10.5 के आसपास वोल्टेज मिलेगा। LG यानी कि लोअर गेट पे आप चेक करोगे तो अगर मल्टीमीटर से चेक कर रहे हो तो आपको 5.5 वोल्टेज के आसपास दिखेगा, है ना, 5.5 वोल्टेज ही दिखता है, लेकिन वो वैलिड नहीं है मल्टीमीटर से ना, यहाँ पे तो हमें वोल्टेज ज्यादा दिखना चाहिए ना। तो कैसे दिखता है, तो यहाँ पे अपर MOSFET को जब आप चेक कर रहे होंगे इसके गेट को DSO से, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिख रही होगी आपको 25 वोल्ट के समथिंग, और लोअर गेट को जब आप चेक करोगे तो वोल्टेज तो बेसक इसमें 5.5 होगी लेकिन फ्रीक्वेंसी आपको 15 वोल्ट के आसपास की दिख रही होगी। ठीक है, तो ओरिजिनल टेस्टिंग यही है कि मल्टीमीटर से आप इसको नहीं वेरीफाई कर सकते हैं, आपको फ्रीक्वेंसी पूरी बन रही है, आपका ड्राइवर फ्रीक्वेंसी बना रहा है नहीं बना रहा है, PWM जनरेट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो मेन चीज तो सब PWM का ही है। तो PWM IC है, PWM तो बनना चाहिए, फ्रीक्वेंसी बननी चाहिए, तो आप चेक करो, नहीं कर पा रहे चेक, रेगुलेटर के MOSFET चेंज कर लो। बेसिक में क्या कर सकते हो, चार्जिंग IC को चेंज कर सकते हो, है ना, इतना कर सकते हो, बैटरी चेंज करके देख लो, SCL SDA के पाथ के रजिस्टर चेंज करके देख लो, पुल अप देख लो आ रहा है पूरा वैलिड है नहीं, तो फिर तो आपको सारा काम करना है। ठीक है, तो ये चार्जिंग IC का AC ड्राइव कैसे बनता है ये हमने अभी इसमें देखा, अब इसको स्कीमेटिक में भी देखें।